हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। गैस आज की वीडियो में आपके सामने जी लैब फार्मेसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जिसका नाम है रिच रन आयरन सीरप। जी हां दोस्तों, जो रिच रन आयरन सीरप है ये एक आयरन सप्लीमेंट है जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में मिला हुआ है। ये मैनेज करता है आयरन की रिक्वायरमेंट को बॉडी के अंदर, साथ ही साथ ये सप्लीमेंट है मैनेज करने के लिए, एनीमिया से बचाने के लिए, आयरन की डिफिशेंसी को कम्प्लीट करने के लिए, साथ ही साथ बॉडी में जितने भी विटामिन ज़रूरी होते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए ये सिरप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फोलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं, ये एक क्रूशियल होता है DNA की सिंथेसिस के लिए, साथ ही साथ अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। ये सेल डिवीज़न को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ जो ब्लड सेल्स होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है, साथ ही साथ DNA के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है, और ये प्रोटीन को बढ़ाने में भी हेल्पफुल है, और फैट के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हार्मोन फंक्शन को भी मेंटेन करता है। आयरन इसमें जो मिला हुआ है हेल्प करता है जितने भी हीमोग्लोबिन वगैरह की जो कमी ना होने पाए उसके लिए, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी पूरी बॉडी में, खून के जरिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इम्यूनिटी को उसको मेंटेन रखने के लिए, हार्मोन डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें फेरी के अमोनियम सिट्रेट 60 mg मिला हुआ है, फोलिक एसिड इसमें 1 mg मिला हुआ है, साइनोकोबलामाइन इसमें 5 mcg मिला हुआ है, साथ ही साथ लाइसिन हाइड्रो क्लोराइड इसमें 70 mg मिला हुआ है। इसको जब भी इस्तेमाल करें अच्छे से शेक करके इस्तेमाल करें। डोज की बात करें दोस्तों तो 1 teaspoonful यानी 5 ml दिन में एक बार लेना है, या फिर आपको फिजिशियन जैसी सलाह दे वैसे लेना है। इसको जब भी पेशेंट को एनीमिया, अकड़ी या बॉडी में आयरन की कमी या विटामिन की कमी होती है तो डॉक्टर इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये आयरन से भरपूर है, साथ ही साथ विटामिन B12, फोलिक एसिड और लाइसिन भी इसमें मिला हुआ है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि फोलिक एसिड और विटामिन B9 मिलके DNA की सिंथेसिस के लिए, ब्लड सेल्स की ग्रोथ के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए, और जो प्रेगनेंसी में एनीमिया वगैरह की कमी ना होने पाए उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, DNA की सिंथेसिस के लिए, ब्रेन के लिए और उसे नसों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ इसका रेगुलर कंजप्शन करने से प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म और हार्मोन का फंक्शन जो है वो मैनेज रहता है। आयरन हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं बॉडी में उसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ खुद ये हीमोग्लोबिन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, प्रोटीन और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साथ ही साथ इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ओवरऑल इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको जनरली डॉक्टर की सलाह के बिना और उनके साथ दोनों ही ले सकते हैं। जनरल आप लें तो इसको डेली 5 ml आपको लेना है, या फिर अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार जितनी बार वो बोले, जैसा बोले वैसे इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक बात का ख़ास ध्यान दें कि ये एक सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं, किसी बीमारी को क्योर नहीं करता है, डायग्नोस नहीं करता है, ये सप्लीमेंट है। बॉडी में जो कमी हुई है ये उसको वो कमी को हटा के उन चीज़ों को पूरा करता है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल करना चाहते हो, कुछ कहने बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सकें। अपनी कोई राय सजेशन कमेंट बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।